नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई पोलैंड से रिलेटेड। जी हाँ भाई, पोलैंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो पोलैंड में आप यकीन करो आने वाले समय में इतनी भारी वर्करों की कमी होगी भैया, आप इंडियन लोगों के लिए मौका है, मार लो। हजारों इंडियन तो पहुंच भी चुके हैं पोलैंड। जी हाँ, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे कि भैया कमी क्यों होने वाली है, इसका ये रीजन जरूरी है। भैया कोई भी देश इंडियन लोगों को क्यों बुलाएगा, वो आपको आपको कमाई करने के लिए थोड़ी बुला रहा है, वो अपना सवार साधने के लिए बुला रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि उनको क्या नुकसान होने वाला है कि वो आप लोगों को वीजा ज्यादा से ज्यादा देने वाला है, इस पे डिटेल से बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भैया पोलैंड में होगी भारी वर्करों की कमी, अब कैसी होगी देख सकते हैं आप, पढ़िएगा जरूर। अभी कब लगभग पोलैंड में अगर वर्करों की बात करें तो पता है कितने वर्कर है भाई, पोलैंड में वर्करों की संख्या है 22 मिलियन। जी हां, 22 मिलियन अभी पोलैंड के खुद के वर्कर हैं जो वहां पे काम कर रही हैं, जो संख्या घटके 7 मिलियन हो सकती है। कब हो सकती है, अगले आने वाले समय में। जी हां, और साथ में जो पड़ोसी देश है उनके यूक्रेन है, बेलारूस है, यहां से भी जो वर्कर पोलैंड में काम कर रहे हैं ना, उनकी भैया उम्र दराज आबादी बढ़ रही है। इसका मतलब यहां के लाखों की संख्या में जो वर्कर है ना, कहां के जो बेलारूस हैं, यूक्रेन के, ये लोग बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आपको पता है वर्करों की कमी रहेगी। अभी 22 मिलियन लोग हैं जो वर्कर हैं, जो सभी इंडिया में मान लो कि एक घर में 5 लोग होते हैं तो भाई 4 लोग कमाने वाले होते हैं। आने वाले समय में उनमें अगर और पीढ़ी पैदा नहीं होगी, जवान नहीं होगी, जो वर्कर हैं वो कमाने वाले बूढ़े हो जाएंगे तो उस घर में फिर वो काम करने वाले नहीं रहेंगे। काम करने की तो उनके घर पर काम तो वही रहने वाला है, जरूरत तो पड़ेगी, फिर वो कहीं को जॉब पे रखेंगे, किसी को नौकरी देंगे, है ना। तो सेम पोजीशन ये है। तो ये देखो तो भैया आप लोगों एशिया देशों के लिए खास तौर से भारतीय लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी हां, अब इसका समझ लो भैया, पोलैंड सरकार पर लगभग 688 बिलियन डॉलर का भार पड़ने वाला है। कारण क्या है कि जो लगभग 15-16 बिलियन जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग हो जाएंगे उनको पेंशन देनी पड़ेगी, और नए लोंडे वहां पे आपको पता भैया इंडिया में जैसे ग्रोथ हो रही है वैसे तो वहां पे होने वाली नहीं है। ये एक सच्चाई है कि कई यूरोप के देशों ने चुपचाप ही एशियन वर्करों को बुलाया है, उनको जॉब और पीआर भी देख रहे हैं, पीआर भी दे रहे हैं। अब इसको गौर से समझो कि एशियन आजकल एक अच्छा माहौल बन रहा है जो मैं देख रहा हूं। पहले जब मैं सोशल मीडिया पे था उससे पहले कभी नाम सुनते ही नहीं थे भाई कि वो यूरोप जा रहा है, कोई हजारों में इक्का दुक्का आदमी होता था। अभी की माहौल ये है कि एशियन जो ये जो यूरोप कंट्री है ना, आप खुद सर्च करना इस बात को, जितने भी यूरोप कंट्री हैं, जो ठंडी कंट्री हैं, ये समझ लो आप बोलते हो ये ठंडी कंट्री में जाना है, ये ठंडी कंट्री हैं, इनकी स्थिति ये है कि एक देश में मान लो 2 करोड़ लोग हैं, समझ लो छोटे छोटे देश होते हैं भैया 2 करोड़ हैं, तो आने वाले 5 साल में भाई साहब 1.8 इतने ही लोग बचेंगे, यानी होना तो चाहिए कितना 2.5 करोड़, लेकिन ये घटके कम होते जा रहे हैं। ठंडी कंट्री है भैया, यहाँ पे प्रजनन जो है ना सिस्टम वो डाउन होता जा रहा है और नए बच्चे नहीं जन्मेंगे और जो हैं वो तो बुजुर्ग हो जाएंगे ना, फिर तो फिर वर्करों की कमी कितनी रहेगी। यहाँ पे गौर करने की बात है, अभी के टाइम में भैया 22 मिलियन वर्कर हैं काम करने वाले, आने वाले 10 सालों में 7 मिलियन रह जाएंगे, तो आप सोचो फिर कितने लोगों की कमी रह जाएगी भैया, 14-15 मिलियन लोग कम पड़ जाएंगे, तो लाखों जो ये जो काम तो अभी भी जो 22 मिलियन वर्कर काम कर रहे हैं तो ये नहीं कि काम खत्म हो जाएगा, काम तो बढ़ेगा, लोग यहाँ के खत्म हो रहे हैं तो फिर इनको कहाँ की कौन कौन लोग चाहिए इनको। पहले कभी आज से 5 साल पहले कभी आप बहुत कम चांस में सुनते होंगे कि यार वो क्रोएशिया, पोलैंड, माल्टा, पुर्तगाल है ना, और भी जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं वो एशियन कंट्री को लेती थी, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, भूटानी, इनको लेती थी, नहीं लेती थी ना, लेकिन अब इनकी मजबूरी है। और मैं ये न्यूज बता रहा हूं ना कि एक सच्चाई है कि कई यूरोप के देशों ने चुपचाप एशियाई कंट्रियों को, एशियाई कंट्री के लोगों को बुलाया है और उनको वर्करों को जॉब दे रहे, पीआर दे रहे। एशियाई का मतलब इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेश, ये 12-13 कंट्री है ना, एशियन कंट्री है हम। एशियन कंट्री में आपको पता है गरीबी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जॉब का सिस्टम यहाँ पे कम है, तो इन लोगों को ये चुपके चुपके बुला रहे हैं, यहाँ की स्थिति खराब होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बल्ले बल्ले इंडियन लोगों की। अब देखो पोलैंड कितने इंडियन जा रहे हैं, हजारों इंडियन भैया पोलैंड पहुंच चुके हैं पिछले 2-3 सालों में, और पहले कहां पोलैंड का नाम नहीं सुनते थे। रोमानिया की बात कर लो, कितने वर्कर हैं रोमानिया में, इंडिया के यूरोप कंट्री है ना वो। क्रोएशिया की बात कर लो, पोलैंड, माल्टा, भरे पड़े इंडियन लोग दबा दब जा रहे हैं, जैसे पहले दुबई, सऊदी, कुवैत जाते थे ना वैसे लोग यूरोप कंट्री में जा रहे हैं। ये इसका राज है, आप भी इसमें ट्राई करिए, जल्दी नंबर आ सकता है आपका। ये लोग बूढ़े हो जाएंगे, नए उनकी जन्मदर इनकी 0 है, तो भैया आपको पीआर वगैरह सब बल्ले बल्ले जिंदगी सेट होने के चांसेस पूरे पूरे मिल रहे हैं। बस ये अपडेट देना था, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मछली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।